So I think this belief is unanimous, and I am one of them. I also believe सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, कमाल का है. मेरा सवाल आपसे है कि आपने अलग अलग तरह के किरदार किए हैं और हर किरदार में आपने हम सबको एंटरटेन किया, बट इस किरदार में आपने डरा दिया. लाइक जो ट्रेलर में हमें दिखा, किस तरह से, क्योंकि हमेशा एक आपकी इमेज रही है चार्मिंग, मैडी से शुरू होते हुए और इसके बाद, तो अपने आप को इस किरदार में देखना खुद कैसा था अनुभव? ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि जब मैंने तय किया कि ये फिल्म मैं करने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम किस लेवल तक जाने वाले हैं या किस लेवल तक लोगों को डराने की कोशिश करने वाले हैं. एक बहुत अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा था और पहली बार मैं अजय देवगन सर के साथ काम कर रहा हूँ. आई कॉन्ट टेल यू वट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट इज बीन एंड विद अ टीम लाइक दिस. कुमार जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बहुत आराम से और बड़े प्यार से सेट पर रहे, हमारा अच्छा देखभाल किया गया और यू नो लोकेशन सेट से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मुझे लगता था कि बहुत पीसफुल माइंड के साथ हम शूट पे गए थे. पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं अपने आप को इस लेवल तक पुश कर पाऊँगा, या मुझे नहीं कभी लगा कि ऐसा कुछ कर पाऊँगा जो लोग वाकई में देख के डर जाएंगे. लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ये ट्रेलर टीजर और थोड़े तस्वीरें मेरी बीवी को दिखाई, तो मुझे मतलब अलग ही नज़र से देखने के बिल्कुल. आज भी वो बोलती है कि थोड़ा दूर से देख के बात किया करो, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत परेशानी मुझे होने वाली है उसके बाद. हाय अजय जी, मेरा सवाल आपसे है. मेरा सवाल ये है कि जो स्त्री है उसके बाद जो हॉरर जॉनर है, हॉरर या सुपर नाइट, वो बहुत ज़्यादा लाइट में आया और लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया. लेकिन जब आपने काल या फिर भूत जैसी फिल्में की थी, तब ये उतना पॉपुलर नहीं था और खासतौर पर जो सुपरस्टार या स्टार जो भी कहते हैं वो इस पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे या आना नहीं चाहते थे. तब आपने किया था, तो वो क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते. अगर कोई कमाल की स्क्रिप्ट किसी को मिलेगी तो ज़रूर, क्योंकि ये जॉनर जैसे मैंने पहले भी कहा, दुनिया भर में आप फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, दुनिया भर में जो हॉरर जॉनर है या जो सुपर नेचुरल जॉनर है वो बहुत चलता है. और हमारे यहाँ भी पहले बहुत फिल्में बनती थी, रामसेस तो बहुत फेमस थे और उनकी सारी पिक्चरें चलती भी थी, चाहे उसमें स्टारकास्ट बड़ी ना हो या जो भी हो. और मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, तो मुझे काफ़ी टाइम से करना भी था. और भूत जब मैंने की तो उसके बाद भूत में अप्रिसिएशन भी बहुत हुई. उसके बाद कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिली नहीं जो कि यू नो सुपर नेचुरल जॉनर की. और ये जगह ऑन योर लेफ्ट, दिस इज नवाज कोचरा फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. सो आई हैड अ क्वेश्चन फॉर ऑल थ्री ऑफ यू, जैसे माधवन सर एंड ज्योतिका मैम. यू नो इन द ट्रेलर वी सी दैट द पेरेंट्स आर सीइंग द चाइल्ड सफर, यू नो, थ्रू द वशीकरण. I want to know that, you know, as parents in real life also, were there any moments where, you know, the story or any part of the story spilled over into your real life? It was there on your mind even after the shoot got over? No, nothing of that sort. But like Jyotika said, I mean, when you start thinking and having kids of this practically the same age, she also has, I also have. So somewhere, you know, that fear comes into your head that what if this was the situation, you were in this situation. And I think that comes across, like she said, also in the performance. But wo ek dar zarur, ek feeling zarur aati. Hello sir, myself Parth Dave, I am from Gujarat. Sabse pehle sabko batai. मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप किसी इंसान की ताकत एक्चुअली महसूस करना चाहते हो ना, तो कभी उनके संतान के साथ कुछ गड़बड़ होते हुए देखिए. एक मतलब चाहे वो किसी भी कद का हो, कोई भी हाइट का हो, जितना हो, मतलब अपने आप को सॉफ्ट समझता हो, अगर उसके इंसान पे, उसके संतान पे कुछ आ जाए ना, तो रियल हीरोज आपको देखने को मिलेंगे. और ये मैंने अपने निजी जिंदगी में भी देख रखा है. और जो हेल्पलेसनेस होता है ना, कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाए और आप कुछ नहीं कर पाते हो, उससे ज़्यादा जो
होपलेसनेस का जो तकलीफ है वो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बेयर कर पाएगा. सो यू नो व्हेन सो आई थिंक व्हेन यू सी योर ऑफस्प्रिंग इन समबडी एल्सस कंट्रोल, मतलब विदाई पे हम इतना रोते हैं सोचे इसमें क्या होगा, है ना, तो किसी और के कंट्रोल में अगर कुछ जा रहा है तो यू नो टू बिकम एवर पावर. मैसेल्फ पार्थ दवे, आई एम फ्रॉम गुजरात. सबसे पहले विकास सर से लेकर जानकी तक सबको बधाई. मैंने जब वश फिल्म देखी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इतना ही अच्छा इसका ट्रेलर लगा है. तो मुझे ये पूछना है अजय सर से कि वश में उसमें हितु कनोडिया, हितिन कुमार थे हमारे सुपर स्टार ऑफ गुजरात, आप दोनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपको वश में ऐसी कौन सी बात लगी कि जिसके ऊपर ये ज़्यादा लोगों तक एडेप्टेशन होना चाहिए? कहानी का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था इस वजह से हमने फिल्म की और बाकी फिर हमने उसकी अपनी अडेप्टेशन करके अपने तरीके से उसको ढाला है. तो बेसिकली जो कहानी और जो मैडी कह रहे थे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कि जब आपके बच्चों पर तकलीफ आ जाए और आप उसके आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई सलूशन नहीं है, तब आप क्या करें? हाय, दिस इज टुगेदर टुडे ऑन योर राइट. ओके, सो क्वेश्चंस फॉर यू मैडी. सो हमारी कुछ टाइम पहले बात हुई थी, यू सेड कि कॉमेडी वो है कि आप नहीं हंस रहे हो बट सामने वाला हंस रहा है, इमोशन वो है कि आप नहीं रो रहे हो बट यू क्रिएट दैट सीन. यहाँ पर मुझे हॉरर मूवी ऐसा ही कुछ दिख रहा है दैट आप चीखा जल्दी नहीं कर रहे हो बट द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दैट यू आर गिविंग, द काइंड ऑफ मूड दैट यू आर क्रिएटिंग, मे बी दैट्स क्रिएटिंग हॉरर. सो डू यू एलैबोरेट ऑन दैट एस्पेक्ट? या आई थिंक यू अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर करेक्टली. मैंने सोचा था कि इसको ज़्यादा ओवर प्ले ना करते हुए अगर एक चार्मिंग सा बंदा बनाए और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर हम उसमें वो हॉरर इंट्रोड्यूस करें तो मैं देखना चाह रहा था कि वो कैसा लगेगा. सो दैट इज ट्राइंग टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल और उसके बाद जब वो यू नो फैल जाता है तो फिर दैट्स अ रियली क्लियर क्रिएट द फियर. दैट वाज व्हाट द अटेम्प्ट वाज. एग्जैक्टली. एंड अ फॉलो अप क्वेश्चन फॉर जानकी हियर. सो जानकी, नाउ यू हैव ऑलरेडी डन समथिंग लाइक दिस एंड देन टू रिक्रिएट अ सिमिलर इमोशन, आई नो इट्स ऑल एक्टिंग एट द एंड ऑफ द डे बट स्टिल हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी हाउ कन्वीनिएंट इट इज इवेंचुअली टू रिलिव द एंटायर थिंग? I'll say yes, it was quite stressful, but mazaa aaya kar rahe hain. Okay, thank you. Hi, this is Sohail here. Yahan par aapke samne Ajay, on your little bit on the left side. This is Sohail from Mission Bollywood. Sabse pehle to trailer is amazing, bahut hi effective tha aur dil ki dhadkan tez kar diya. Mera question ye hai ki it's talking about father and a family relationship. आज के युग में जो हम कह सकते हैं कलयुग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को इफेक्ट करती है, तो ऐसी कोई चीज़ें जो यू नो आप अपने बच्चों में यू नो कुछ चेंजेस लाना चाहते हो? बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक जैसे कि एग्जाम्पल जैसे सोशल मीडिया है और बहुत सारी मैंने ने गेमिंग के बारे में बात की जो कंट्रोल करते हैं, तो इफ़ एनी वन आप लोग कुछ बताना चाहोगे कि ऐसी कोई चीज़ हो जो आप अपने बच्चों में कुछ यू नो कंट्रोल लाना चाह रहे हो, उस चीज़ से दूर रहे हो? मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनको समझाना पड़ता है. समझाए बिना काम नहीं चलता और फिर वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये आपको देखना पड़ता है. तो इस वक्त अगर स्टेज में मैं बोलूँगा कि मैं अपने बच्चों में ये बदलना चाहता हूँ तो मुझे घर जाके मार पड़ेगी. बट जैसा कि आप कह रहे थे और मैडी कह रहे थे सोशल मीडिया हो गया, गेमिंग हो गई, आई थिंक ये सब एक लिमिट तक होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए. आई थिंक हर पेरेंट चाहता होगा. या मैडी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, यही कि हम आजकल ना फोर्सफुली नहीं कंट्रोल कर सकते बच्चों को, उनको समझाना पड़ता है. एक तो वो फोर्स से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को समझते, तो उनके साथ बैठ कर एडल्ट की तरह बात करो, फिर समझाओ कि हर चीज़ जो आप पढ़ते हो सोशल मीडिया में वो ज़रूरी नहीं कि वो सही है. आप बहकावे में मत आ जाओ, इतनी सारी चीज़ें पहले आपकी तारीफ़ें की जाएंगी या फिर आपकी बुराई की जाती है, सब सच मानने की ज़रूरत नहीं है. हमने दुनिया देख रखी तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे अजय जी ने कहा, उनके साथ समझौता करके, समझा के उनके साथ, मतलब थोड़ा रीजनेबल होके हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना फोर्स तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते. जैसे बात करते वशीकरण की, तो हमने देखा हमारे इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी चीज़ें जहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, वी बिलीव इन लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर. तो आई थिंक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सारी दुनिया में होती है. दुनिया में हाँ, तो फिल्म इंडस्ट्री का छप जाता है थोड़ा. हाँ,
गलत है? गलत तो सबको पता है कि ये गलत है, उसमें कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं किसी को, लेकिन जो कोशिश करते करने की, आई एम नॉट सेइंग कि वो कामयाब होते होंगे, लेकिन जो कोशिश करते करने की वो कोशिश तो करते ही हैं। तो फिल्म के मैसेज की बात नहीं है, बट मैसेज जैसे हर फिल्म में होता है, इस फिल्म में भी है कि इवेंचुअली द गुड विंस और शैतान की हार तो होनी है कभी ना कभी। What is the first thing that you should actually do if you experience something spooky out there? I think you should be mentally and physically, mentally strong, yeah, and internally strong, because what I believe is that if you weaken from the inside, the other person can overpower you. Yeah. So if your brain is strong enough, then I don't think anything can harm you. Yeah. So the little kid out there who's actually not being the kid anymore, film kitna emotionally difficult tha, because you know it is a film that might take a toll on your mental health, you know, probably. And what were the exercises that you actually do to get into this character and not let this affect you? कुछ नहीं, वो हंसते हंसते खेलते शॉर्ट देता था, बाद में नॉर्मल भी हो जाता था।